किसान भाइयों नमस्कार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं योगी राजेश और किसान भाइयों आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उद्यानिकी की में समय के अनुसार फसलें तो ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है उद्यानिकी की मतलब हॉर्टिकल्चर और ये खेती का एक ऐसा कल्चर है जिसमें सब चीज़ें समाहित हैं उद्यान की माने अपने आप में एक बड़ा विस्तृत और बड़ा विशाल खेती के क्षेत्र है इसमें खाद्य फसलें खाद्य फसलें फल फ्रूट्स पौधे तमाम आती हैं अब किसान भाई चूँकि आप खेती किसानी के कार्य में लगे रहते हैं तो आप सब जानते हैं लेकिन समय के अनुसार कौन सी उद्यान की फसलें ली जाएं और कैसे ली जाएँ कम लागत में कैसे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा लिया जाए इन सभी पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए बेहद ख़ास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैं दो मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं मेरे बिल्कुल बाई ओर बैठे हैं डॉक्टर जैनेन्द्र कन्होजिया जी आप कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि में विशेषज्ञता रखते हैं और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं जुझार सिंह जी आप प्रगतिशील किसान हैं शाहजहाँपुर जिले के आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में और जैसा मैंने बताया उद्यानिकी में सामयिक कार्य ये हमारे प्रोग्राम का विषय है और मित्रों ये प्रोग्राम मैं शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं ये प्रोग्राम हमारा सजीव फोन इन प्रोग्राम है और आप भी इस प्रोग्राम में एक फ़ोन कॉल के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आपके सवाल कुछ हैं आपकी जिज्ञासाएं है, कुछ हैं वो सीधे हमारे स्टूडियो तक तो भेजिए और हम कोशिश करेंगे हमारे विशेषज्ञों के द्वारा उन समस्याओं का समाधान करने की तो किसान भाइयों तुरंत ये फ़ोन नंबर आप नोट कर लें हमारा एक टेलीफोन नंबर है जीरो सेवन डबल फाइव टू डबल सिक्स डबल जीरो फोर नाइन एक हमारा टोल फ्री नंबर है वन एट डबल ज़ीरो टू डबल थ्री डबल ज़ीरो फोर ज़ीरो तो किसान भाइयों जब तक आपके सवाल आ, मेरे पास आते हैं चंद सवाल मैं आपकी तरफ से हमारे वैज्ञानिक महोदय जी से कर लेता हूं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि उद्यान की में अनुसार कौन से कार्य हमारे किसान भाई कर सकते हैं तो कनौजिया सर मैं सीधा सीधा आपके पास आता हूं और सीधा यही सवाल है कि ये जो मौसम अभी चल रहा है ये जो समय चल रहा है इस समय के अनुसार किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे वो कौन सी फसल के लिए तैयारी करें कौन सी चीज़ों में वो ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और बहुत आसान हो? धन्यवाद योगीराज जी आपको नमस्कार और प्रदेश के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं जैसा कि आप ने कहा कि उद्यानिकी फसलों में क्या सामयिक गतिविधियां किसानों के द्वारा की जाए जिससे कि उनको कम लागत में ज़्यादा लाभ हो तो सबसे पहले मैं आ, आप आ, सभी किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ उद्यान की फसल एक बहुत ही विस्तृत विषय है इस के अंतर्गत फलदार वृक्षों की खेती फूलों की खेती सब्जियों की खेती औषधि एवं सुगंधी फसलों की खेती और कई बेहतर विकल्प हमारे किसान भाइयों के पास में है हम जहाँ तक फल वृक्षों की बात करें तो वर्तमान में अमरूद और आंवला या नींबू पपीता जैसी जो फसलें हैं वो बिल्कुल तैयार किसानों के खेत में खड़ी हुई हैं और इस समय पर उनकी देखभाल की आवश्यकता है उनकी समय पर तुड़ाई करके उनको बाजार में भेज जाने की आवश्यकता है अन्य जो हमारे फल वृक्ष हैं जैसे कि आम हैं या कटहल हैं ये जो आने वाले समय में संतरे की हम अगर बात करें जिसका भी काफ़ी अच्छा रकबा हमारी प्रदेश में है इन वृक्षों की बहुत ही देखभाल की आवश्यकता है किसी प्रकार के कीट या बीमारियाँ इनमें तो नहीं है अनावश्यक जो शाखाएं उनको काट कर निकालने की आवश्यकता है सब्जियों की यदि हम बात करें तो हमारे पूरे प्रदेश में इस समय हमारे किसान भाइयों के द्वारा लहसन की फसल लगभग उसकी बुआई किसानों के द्वारा की जा रही है प्याज की रोपाई के लिए किसान भाई तैयारी कर रहे हैं अन्य जो हमारी सब्जियां हैं पत्तीदार सब्जियां हैं फल वाली जो सब्जियां हैं कद्दू वर्गी हैं उन पर भी हमारे किसान भाइयों के द्वारा या तो ये सब्जियां खेतों में लगी हुई हैं या किसान भाइयों के द्वारा लगाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं जी एक सवाल मैं जुजार सिंह जी आपसे भी ले लेता हूं सर ने जिक्र किया संतरे का जिक्र किया लहसुन का जिक्र किया और आप तो इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं और आपकी विशेषज्ञता है और कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं तो जैसा सर ने बताया तो अभी मौसम के अनुकूल आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्या समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है आपको कितनी दिक्कतें आती हैं ये सब आसानी से हो रहा है जी 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 श्रीमान सर का बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली धनतेरस व गोवर्धन पूजा की सभी देशवासियों को नमस्कार और बधाई और जैसे मान लो खेती में से बढ़ के कोई रिक्श का काम नहीं है बाकी फिर भी किसान करता है और अपने देश का जो भरण पोषण करता है उसमें दिक्कतें तो होती है पर जैसे आ, किसान अपने पे अभी सर ने बात की है कि संतरे पे बात कर रहे थे या लहसन पे बात करें तो हमारा किसान अगर ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके अगर मान लो अच्छा दाना बना के अगर मार्केट पैकिंग करके भेजेगा तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा दूसरा ये है कि जैसे लहसन की बात हो रही है तो हमारा किसान खाली उगाने में लगा हुआ है अच्छा। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसके जो जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमारे खेत पे बनाएं और बहुत सारी कंपनियां भी आ रही हैं सरकारें भी बहुत काम कर रही है ये वो सब हम कर रहे हैं मगर किसान उसके ऊपर पहुँच पानी पर आप देख रहे हैं लहसन की फसल हाँ। किसान भाइयों तैयार की गई है। जैसे अभी हाँ ये स्क्रीन पे दिख रही है अभी जी जी तो इसमें जो मुड़ने वाला रोग है तो इसके पीछे पड़ जाता है किसान अच्छा। जो कि ये मच्छर जो रसूसक है ये ये आते ही आता है और ये कम दिनों में मर जाएगा तो हमको इस पर कम से कम दवाई का इस्तेमाल भी करना चाहिए और पानी हम एक हमारे दिमाग में ये कि हम खाद से खेती करेंगे या दवाई से खेती करेंगे या अच्छे बीज से करेंगे तो किसान को घर का बीज हमारा जो बन जाएगा उसी बीज को सही बना ले सही रूप में उसकी दवाई डाले और सही उसका भंडारण भी करें और प्रोसेसिंग हाँ। भी करना चाहे जैसे गार्लिक में अभी बहुत सारे पेस्ट बन रहे हैं सीधी छिली हुई कली भी जा रही है गार्लिक में हाँ। और बहुत सारे प्रोग्राम भी करवाए हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारा किसान जैसे पैसे के चक्कर में वो बाज़ार आधारित हो गया है तो हम मैं चाहता हूँ कि वो स्वलंबी बने अपने खेत आधारित पे ही सारी चीज़ें बनाए और पैकिंग प्रोसेसिंग कर कर के बेचे जैसे मैंने संतरा एक्सपोर्ट भी किया है बहुत सारा और मेरे पास चार हेक्टेयर का संतरे का भाग था तो दाने से बिकता है संतरा दूसरे मार्केटों में और मध्य प्रदेश में ले जाओगे तो ट्राली की ट्राली बिक जाएगी तो हमारे को सिर्फ लगाना क्या है उसमें कैरेट लगाना है और उसमें रद्दी पेक करके दाने की साइज़ जिस हिसाब इस से करना है उस हिसाब से जिस मंडी में भेजना है उस हिसाब से भेज सकते हैं सर एक सवाल आपसे भी चूँकि जुझार सिंह जी ने जो जिक्र किया अभी जो लहसन की जो उन्होंने फसल बताई थी उसमें जो रोग का वो जिक्र किया तो आप क्या किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि उससे कैसे बचा जाए उसका सही ट्रीटमेंट क्या हो हाँ बिल्कुल योगी राज जी देखिए हमारे किसान भाई ने दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे अपनी बात में रखे एक तो ये जो बीमारियों पर जो इनका संकेत था वो इतना ही था कि हम अनावश्यक बहुत सारा रसायन का इस्तेमाल ना करें समस्याएं जो हो आती है इन फसलों में उनके बारे में हमारे किसान भाई उसकी समझ को सबसे पहले तो बढ़ाएं दूसरी बात यह है कि इन सबको कम करने के लिए हम अच्छे बीज का उपयोग करें और अच्छे बीज कैसे बेहतर तरीके से बनाए जा सकते हैं स्वयं से कैसे बनाए जा सकते हैं उसकी बात आपने की बिल्कुल सही बात है यदि हमारा बीज स्वस्थ होगा अच्छा होगा तो फसल में उसका उत्पादन भी बढ़ेगा साथ ही साथ कीड़े मकोड़े और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होगी जहाँ तक रस चूसने वाली जो कीटों की समस्या है जिसके चलते हमारा किसान भाई उसको बोलते हैं कुकड़ा रोग लग गया हो ये वास्तव में बिल्कुल सही बात है थ्रिप्स बहुत छोटे छोटे जो कीट हैं उनके रस चूसने से पत्तियाँ आपस में मुड़ने लगती हैं और फिर वहाँ पर एक फफूंद भी पैदा हो जाती है जिसके चलते फसल कमज़ोर रह जाती है यहाँ पर रसायन के बजाय अन्य विकल्प भी वैज्ञानिकों ने इजाद किए हुए हैं एक तो आमतौर पर यह देखा गया है किसान भाई बहुत सघन फसल लगाने की कोशिश करते हैं एक ना है हमारे किसानों की जितना करीब में फसल लगा देंगे उतना ज्यादा उत्पादन जादा लेकिन इसके विपरीत देखें तो बीमारी और कीड़े दोनों के प्रकोप भी बहुत अधिक बढ़ते हैं और जो उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है भिल्कुल, भिल्कुल। तो किसान भाई जो अनुशंसित दूरी है उस पर ही रोपण करें दूसरा स्टिकी ट्रैप्स भी इसके बाजार में उपलब्ध है मतलब अगर हम हमारे एक एकड़ रकबे में नीले और पीले रंग के दस स्टिकी ट्रैप मतलब चिपचिपे एक ट्रैप पाते हैं उनको अगर हम फसल के बुआई के पंद्रह बीस दिनों के उपरांत में उनको अगर हम अपने खेत में लगा दें तो ये जो रस चूसने वाले कीट उड़ते हैं तो उसमें वो चिपक जाते चिपक हैं है। जिससे कि उनकी जो संख्या है उनकी जो बढ़ने की संभावना है वो

विधिवत और तरीके से आकार को देख के कलर को देख के वजन को देख के अगर हम इसका श्रेणीकरण कर लें और उसको फिर पैकिंग के लिए जैसा कहा कि दाने में अगर हम उसको बेचें दाने से आशय जुराज सिंह जी का यही था कि हम ग्रेडिंग में उसको करें और एक एक फल को हम इतना इस तरीके से संजो के बाजार में भेजें कि हमको उसकी अच्छी कीमत मिले तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है दूसरा लहसन जैसी फसल में कई बार ये देखने को आता है कि यही लहसन जो अभी इस वर्ष काफी अच्छी स्थिति में दस हजार से लेकर पंद्रह हजार कुंटल के भाव में, वर्तमान में है। लेकिन यही लहसन पिछले एक दो वर्षों की तरफ अगर हम जाएं तो यह हजार रुपए और दो हजार रुपये कुंटल ही बिक रही थी ऐसी स्थिति में लहसन जैसी प्याज जैसी फसलों में प्रोसेसिंग का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन जाता एक है एक सवाल सिंह जी से भी पूछ लेता हूँ इसी सिलसिले को लेकर क्योंकि लहसन और प्याज चूंकि वर्तमान समय की सबसे बड़ी क्रॉप है और हर घर का हाँ। उपयोग में आने वाली है तो अब जैसे सर जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार उसका रेट इतना था एकदम से डाउन हो गया तो ये जो फ्लेक्चुएशन आता है जो मतलब गिरावट और उठान और गिराव चलता रहता है जी। ये आपको कहीं टेंशन नहीं देता कि नहीं नहीं ये टेंशन सभी किसानों के लिए मेरे को तो है ही है हाँ। मगर मैंने तो इसको सरल से किया है कि मेरे खेत में जी जैसे मैंने पाँच हेक्टेयर जमीन है तो उसमें बाईस तरह की फसल लगाई है अच्छा हमको अच्छा। एक फसल पे कभी नहीं जाना है लसन या प्याज आलू कुछ भी ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सीख हाँ, है हाँ मतलब हाँ अगर मान लो एक बैठता है जैसे पिछले साल दो साल से लसन किसानों ने फेंकी तो वो फेंकने का मौका नहीं मिले और हम उसको प्रोसेस करके ही बेच दें और प्रोसेस करने में ये है कि उसको सुखा के भी बेच सकते हम अच्छा अच्छा और दूसरा ये है कि किसान सीधा सीधा खेत में से निकला और बेचने लगता है और दूसरा ये है कि किसान एक तरह की फसल पे कभी ना जाए वो सभी तरह की फसल लगाए और मार्केट आपको भी जांचे कि हमारे को कौन से मार्केट में कौन सी फसल का ज़्यादा अच्छा रेट मिल सकता है ताकि उस किसान के दिमाग में रहेगा क्योंकि वो देखे देख काम करने लगा है तो देखे देख काम ना करे मार्केट अगर मान लो मार्केट की स्टडी करे स्टडी करे और विश्व मार्केट तक के सारे जो अभी टेलीविजन आपके चैनल हाँ। के माध्यम से पूरे विश्व लेवल के मतलब हमारे प्रदेश का किसान इतना जागरूक है कि वो पूरे विश्व के मार्केट पर भी नजर रख रहा है बराबर और उसका सर लगता है किसान भाइयों ये कार्यक्रम अभी हमारा जारी रहेगा लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वातन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है ही? अच्छा ये बात है क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है सम्बन्धी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है के सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से फीसदी नाइट्रोजन क्षमता तो किसान भाइयों प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और जैसा कि आपको पता है हम चर्चा कर रहे हैं उद्यानिकी में है, सामाजिक का कार्य तो अभी चर्चा हो रही थी लहसुन की चर्चा हुई थोड़ी सी संतरे की भी चर्चा हुई मैं कन्नौजिया सर से ये जानना चाहूँगा प्याज भी एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रॉप है हर घर में यूज़ होती है संतरे की भी लहसुन की भी बात करेंगे अब प्याज को लेकर बड़ा मतलब कई चीज़ें देखने में आती है, है। कई बार प्याज इतना डाउन हो जाता है उसके रेट इतने गिर जाते हैं कि किसान भाइयों को फेंकना पड़ती है ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो आप क्या किसान भाइयों को सलाह देंगे कैसे उसको लगाएं कैसा प्रिजर्व उसको करें देखिए योगी राज जी बिल्कुल सही बात है ये सिर्फ प्याज के साथ में ही नहीं है अन्य हमारी कई एक ऐसे फसलें हैं जिनके साथ भी ये समस्या होती है कई बार ऐसा होता है कि मौसम की ये जैसे ये किसान ये किसान भाई प्याज की हाँ रुपाई का, का ने, काम ने रुपाई अभी हाँ, किसान कर रहा है कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि रकबा तो हमारा सामान्य होता है लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के चलते उत्पादन में काफी बड़ी कमी आ जाती है और जिसकी अचानक से भरपाई कर पाना बहुत ही आ, मुश्किल होता है जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार महाराष्ट्र में जो खरीफ की प्याज काफ़ी बड़े रकबे में होती है हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा रकबा है रबी मौसम के प्याज का और कभी यदि इन दोनों ही जगहों पर खरीफ और रबी में किन्हीं कारणों से अगर उत्पादकता में गिरावट आती है तो बाज़ार में उसकी मतलब काफ़ी महंगा प्याज हो जाता है वहीं पर किसान को अभी ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि मध्य प्रदेश में कितना रकबा है महाराष्ट्र में कितना रकबा है कर्नाटका के प्याज का कितना रकबा है या राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से कितना प्याज आने की संभावना है तो ये कुछ अभी थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट ना होने से किसान को ये पता नहीं होता उसे प्याज लगाना है तो कितना लगाना है। जी और आ, कई बार जो उत्पादन है इतना अधिक हो जाता है कि फिर बाज़ार में मतलब उसकी अधिकता हो है मतलब अधिकता हो जाती है लेकिन यहीं पर अब इसके प्रोसेसिंग की बात हम करते हैं तो प्याज की भी प्रोसेसिंग की जा सकती है और सरकार के द्वारा हमारे उद्यानिकी फसलों में खासतौर से प्रोसेसिंग के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए काफ़ी अच्छा कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जहाँ उस योजना के माध्यम से किसानों को लाभान्वित भी किया जा रहा है हमारे किसान भाई जो जैसा कि जुझार सिंह जी एक उदाहरण है यहाँ पर वो स्वयं अपनी बात कह रहे हैं कि वो खुद भी जो लहसुन या संतरा जैसी फसलें जो उगा रहे हैं उसको बाकायदा प्रोसेस करके वो बाजार तक लेके जा रहे हैं और अच्छा पैसा वहाँ से वो कमा रहे हैं अच्छा जुझार सिंह जी जैसे सर जो बात कर रहे हैं रकबे की भी जो बात कर रहे हैं अब किसान की जैसे बुबई की अभी एक हमने पिक्चर देखी जी तो वो उसका क्या सही तरीका है कितनी दूरी पे हो कितना हाँ। पानी क्या उसका ट्रीटमेंट जैसे लहसुन में आपने जिक्र किया था ये चूसक कीट हाथ जैसे रचक कीटों हाँ। की बात हुई थी तो ऐसे जैसे मान लो ये पानी भर के कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि पानी बचाओ इस पर भी हमको जाना पड़ेगा अच्छा तो तरीका थोड़ा सा जैसे आपने अभी ये दिखाया था डेमो तो इसमें पानी ज़्यादा लगता है बाकी रोपा तैयार हो जाएगा अच्छा कली वाला अच्छा सबसे पहले तो सर ने जो बताया कि हमारे कुछ बीज हमारा घर का बना ले और घर का बना के बीज को अच्छा अंकुरित देख ले कि उसमें सत्तर पचहत्तर परसेंट उसमें अंकुरित है कि नहीं है और उसी बीज को अपने को नर्सरी में उतारे नर्सरी में अच्छी तरह से अगर मान लो उसका जो कर्ण बन जाएगा तो प्याज की क्वालिटी अच्छी बनेगी और ज़्यादा दिन तक तो उसको भंडारण कर सकेंगे अच्छा ये बीज बनाने की आपने बात की क्या रहता है प्रोसेस कैसे किसान भाई सरल भीज? है श्रीमान ये तो किसान थोड़ा सा भटक गया है मजार आधारित हो गया है नहीं, नहीं तो किसान स्वयं सारे जो भी बीज थे उसको सभी बनाता था जैसे प्याज की एक साइज वाले अच्छे प्याज ले ले और ऊंची उठी हुई क्यारी पे लगा दे और उसमें अगर मान लो ड्रिप की व्यवस्था है तो ड्रिप से पानी दे दे और उसमें ऑटोमेटिक अच्छे गुच्छे आएंगे दाने जो बीज होगा तो वो बीज मिट्टी में रहेगा वो तो नहीं को? वो फूल में आएगा ऊपर अच्छा आ, जैसे अफीम का डोडा बनता है ऐसा अच्छा, उसका ऐसा अच्छा बीज बनेगा उसको ऊपर तो उसको अच्छा बीज बन जाएगा और उसी को प्रोसेस करके किसान और अच्छा अपना बना सकता है और उसी की रोपनी करके अपना रोपा तैयार करके भी लगा सकता है दूसरा अच्छी कोई कंपनी हो अच्छा कोई किसान है उसके भी लेके अपनी लगा सकता है और जब तक हम बीज पे नहीं जाएंगे जब तक हमारा कोई ठीक नहीं है क्योंकि बीज से ही बीज और मातृभूमि जैसे हम मातृभूमि कहते हैं हमारे खेत को हा, हा, सही है। तो हमारी मातृभूमि को भी हमारे को संजोना है, है।, है।, है। एक, एक सामयिक फसल ये भी है अमरूद की जैसे अपन बात करें ये भी एक बड़ा बाजार में सर्कुलेट होने वाला बड़ी मोस्ट डिमांडेबल आइटम है ये कह सकते हैं एक बीच एक कॉलर हमारे जुड़े विपिन सागर से विपिन जी का सवाल ले लेते हैं फिर मैं आपके पास बात बताऊँ जी प्रोग्राम में आपका स्वागत है सवाल कीजिए हेलो जी, जी बोलिए विपिन जी जी सर नमस्कार मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ जी सर मेरा सवाल ये था कि रवि प्याज का सीजन मतलब अभी चल रहा है तो मतलब कौन सी किस्म लगाना चाहिए सर और लेट तो नहीं हो जाएंगे बोना चाहे और तो किस्म जिसका भंडारण कर सके प्याज की खुदाई होती है और लगभग चार से पाँच दिन में प्याज खराब भी होने लगती है उस वक्त भाव भी नहीं मिलता है तो कोई ऐसी किस्म बताएं जो भंडारण कर सके चार छह महीने तक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया सर बिपिन जी ने नर्सरी और भंडारण से रिलेटेड विपिन जी प्याज की जो उन्नत शील प्रजातियां हैं उनमें से मुख्य रूप से रू रूप से एन एच आर डी एफ थ्री और एन एच आर डी एफ फोर दोनों ही बहुत ही अच्छी उत्पादन की क्षमता भी ये किस्में रखती हैं और साथ ही साथ जो एन एच आर डी एफ रेड फोर किस्म है इसके भंडारण की क्षमता भी काफ़ी बेहतर है तो इन दोनों में से किसी भी किस्म का चुनाव आप कर सकते हैं और जहां तक दूसरा आपका प्रश्न है आप अभी प्याज के नर्सरी को तैयार करने में देर आपको नहीं हुई है ये उपयुक्त तो समय है आप ये जो अनुशंसित किस्में हैं इन किस्मों को के बीजों को क्रय करके आप नर्सरी लगाने का काम कर सकते हैं उन्होंने एक भंडारण का भी जिक्र किया है भंडारण से आशय उनका किस्म के साथ में था कि एक ऐसी किस्म उनको सोजाई जाए तो जो हमने कहा एन एच आर डी एफ रेट फोर जो किस्म है इस किस्म की भंडारण की क्षमता काफ़ी बेहतर है लंबे समय तक इसको भंडारित किया जा सकता है जी जी एक सवाल मैं जुझार सिंह जी आपसे भी ले लेता हूँ जी जी प्याज की भी बात हो रही है लहसुन की भी बात हो रही है संतरे चूंकि जिस अंचल से आप शाहजहाँ संतरा बड़ा बहुत आयो जी आपने कई सारे इसमें प्रयोग भी किए वो कैसी क्रॉप आप उसको मानते हैं क्या आप सलाह देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को नहीं जैसे संतरा है मौसम भी है ये किन्नु है ये बहुत अच्छी नींबू वर्गी फसलें हैं जैसे तो उसमें हमारे नागपुरी संतरे स्क्रीन पर जो दिख रही है ये संतरे की हाँ ये जो फसलें हैं ये नागपुरी किस्म है सारी और नागपुर से ये गलगल गल पे भी आता है ये चार पांच चीज़ों पे इसका टिशू चढ़ता है और इसकी अलग अलग वेराइटी अलग अलग गुदा और अलग अलग, अलग इसमें कलर बनता है अच्छा, अच्छा। और फल की साइज भी उसी हिसाब से बनती है जैसे हम प्याज की बात कर रहे थे इसी हिसाब से संतरे पे भी इसकी जो गलगल -गल पे चढ़ता है वो मोटा होता है अच्छा अच्छा और जो देसी नींबू पे चढ़ता है वो छोटा होता है इसे इसमें भी अंतर आएगा बाकी हम किसानों को थोड़ी दूरी का सही इस्तेमाल करें थाले से पानी ना दें इसमें अच्छा। एक बीमा एक पौधे की बीमारी दूसरे पौधे में जाती है तो अच्छा। हम इसमें पानी की सावधानी ये रखें कि ड्रिप से पानी दें अच्छा। या थाला भर के दें तो एक एक पौधे की बीमारी दू, दूसरे पौधे पे नहीं जाएगी तीसरा इस पर अगर मान लो तान की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि संतरा जो नींबू वर्गी फसलें हैं इसमें तान बहुत आवश्यक है तो इसको तान देने की जैसा हमारा किसान गेहूं पे लेने लगा है या प्याज लेने लगा है तो उसमें नमी कम से कम रखी झुझारू सिंह जी आप बड़े महत्वपूर्ण आपने टिप्स दे रहे हैं आप किसानों के लिए लेकिन चूंकि अब कार्यक्रम का समय भी हो चुका है जी और इसलिए हमको किसान भाइयों से अनुमति लेनी पड़ेगी लेकिन चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण रही बड़ी सामयिक रही और चर्चा में आपने इतने महत्वपूर्ण प्रदर्शन आपने मार्गदर्शन किया हमारे किसान भाइयों का इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उन तमाम किसान भाइयों का जो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार जय राम जी